You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Hello everyone, good morning and welcome back to another video. So guys, अभी time हो रहा है सुबह के 8. मैं बस थोड़ी देर पहले सो के ही उठा था आज, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल एंकर पे, वैसे तो बाहर मतलब सी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कंपनी हाँ ड्रॉप एंकर, तो हम लोग अभी ड्रॉप एंकर वगैरह ड्रॉप किया, दो दिन हो गए एंकर भी पड़े हुए. मतलब एंकर पे लोग खुश होते हैं, हम लोग बोर हो गए कि हाँ यार इतना लंबा एंकर हो गया. पर सेफ्टी भी है ना कि बाहर सी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आज देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या आज देखते हैं कि वह क्या क्या काम करते हैं हम लोग, क्या एंकर पे हम क्या करते हैं. जो भी फिर मेरी पिछली वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि डेटा कि मेरा फाइनली प्रमोशन हो गया, तो आज मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि जो जो काम करवाना है वो मैं बोसन को बता दूंगा कि हाँ तुझे ये काम करवाना है, तो फिर अपने हिसाब से देख लेगा कि हाँ उसको ये काम करवाना है, जो भी फिर उसका मैं चेक कर लूँगा. और बाकी मेरे को भी थोड़ा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करने को है, पेपर वर्क है, थोड़ी ब्रिज की हालत ख़राब हो रखी है ना, उसको भी सही कर लेंगे, क्योंकि टाइम मिला है तो प्रॉपर यूज़ करने का. ऐसा तो है नहीं कि फिर उसका फिर अपना लंच वगैरह डिनर एंकर तो फिर कुछ अच्छा ही खा लेंगे, तो फिर देखते शाम को कुछ ना कुछ बनाते हैं, जो भी है दिखाते हैं फिर आपको पूरे दिन का कि मैं क्या करता हूँ. बाकी अभी फ़िलहाल तो मैं नहाने जा रहा हूँ सबसे पहले, आपको बाकी भी शिप्स भी दिखा देता हूँ कि हम लोग बाकी भी बहुत सारे शिप्स है एंकर पर ही है, तो अभी दिखाता हूँ आपको, ज़रा बाहर चलते हैं. सो गाइस, वो सारे के सारे शिप उधर है एंकर पे, वो टग एंड बार जो हो गया वो भी एंकर डाल दिया, वो जनरल कार्गो वो सारे मतलब उनकी तो उसकी तो लोडिंग हो चुकी है. वो सामने देख लो, वो है एक ये अपने कंटेनर, वो आगे जाके एक वेसल वो है, अरे माउस हो गया, और एक वो है बस. हम लोगों ने एंकर यहाँ डाल रखा है, मतलब है तो सिटी के पास में, सिटी तो एक छोटा सा टाउन है उसके सामने डाल रखा है, सिबू मलेशिया में तंजुमनी से, मतलब तंजुमनी से मैं पीछे वो यार कैसा ही आ रहा है, वहाँ पे डाल रखा है, पर अलाउ नहीं है बाहर जाना. वैसे नहीं, अगर अलाउड होता तो यहीं बिल्कुल सामने पा रहे, पर जाना भी क्या बार बार, अभी दो दिन पहले ही मार्केट घूम फिर के आए हैं, तो इसलिए चलो अब मैं थोड़ा नहा धो लेता हूँ, उसके बाद फिर बोसन को काम बताता हूँ और ख़ुद भी थोड़ा बहुत काम करने को है, उसको करते हैं फिर दिखाते हैं पूरे दिन में हम क्या करते हैं, क्या क्या बकचोदी करते रहते हैं. तो गाइस नहा धो के ऑल सेट अप जाऊंगा, देखता हूँ नीचे पहले ब्रेकफास्ट करूंगा और उसके बाद हम बोसन को पकड़ूंगा कहाँ पे वो, उसको फिर अपना जो भी जितना भी आज का काम है वो समझाऊंगा, और मेरे को भी थोड़ा बहुत सारा काम करना है अभी, थोड़ा रिपोर्टिंग करनी है फिर से कार्गो की, फिर अपना ब्रिज मेंटेन करना है जो जो भी है. तो चलो सबसे पहले बोसन को पकड़ता हूँ, उसको काम बता देता हूँ, फिर उसका चेक करूंगा कि हाँ काम कर रहा है नहीं कर रहे हैं बंदे, क्योंकि फिलहाल थोड़ा मौसम भी थोड़ा गड़बड़ी है, कहीं बारिश ना हो जाए, इसलिए पहले देखते हैं क्या जो जो भी काम है, उसके बाद चलो फिर मिलते हैं आपसे. जैसे अपने बोसन को बता दिया काम क्या क्या करना है, पेंटिंग ही करनी है, बाकी तो क्या काम है. मैं भी जाता हूँ देखता हूँ थोड़ा बहुत काम है, हाँ भाई मैं भी देखता हूँ बाकी क्या क्या काम करता हूँ. अब चलो फिर आपसे ब्रिज में मिलते हैं, अभी थोड़ा देखते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती मार लेते हैं बंदों के साथ. ब्रिज रूम में आ गया हूँ और अब बैठ गया हूँ सामने बस सिस्टम के सामने, अब बस काम स्टार्ट करता हूँ. जो मंथ एंड रहता है ना सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहता है, मतलब इतनी रिपोर्टिंग करो, इतने सारे मेल्स करो, इतने डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते ना, हालत माड़ी हो गई है. तो फिर तो नया नया एक्सपीरियंस, नया नया प्रमोशन हुआ है, मैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह पहली बार कर रहा हूँ सारे. तो चलो अभी मैं थोड़ा कार्गो को अपना लेता हूँ, उसके बाद बाकी काम करते हैं, उसको फिर ब्रिज मेंटेन करना है प्रॉपर, थोड़ा चार्ट ऊपर नीचे और रखे हैं हमारे, चलो उसको देखते हैं फिर. गाइस अपना ये वाला काम तो हो गया, मतलब जो थोड़ा ये मेरा पेंडिंग रह रहा था, मतलब स्टेबिलिटी में कंपनी को वॉइस रिपोर्ट करनी पड़ती है ना, तो वो भेजना था, उसका काम तो हो गया. अब बाकी थोड़ा मेरे को थोड़ी बहुत स्टेंसिल बनाना है ताकि बंदे फिर उनको चिपका सके, बट चिपकाना तो क्या बस पेंट मारना है, अब वो करता हूँ, फिर चार्ट में प्रॉपर मेंटेन करने हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ ना करते ही है फिर आज, क्योंकि एंकर पे बेले तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि शिप का काम तो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा. तो चलो अब थोड़ा इसको सेव वगैरह कर लेते हैं, रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम करता हूँ. तो गाइस मेरा सिस्टम वाला काम ख़त्म हो गया और अब सीधा जाता हूँ रूम पे, मतलब जो बाकी स्टेंसिल का काम रूम पे बैठ के करूँगा, करने को ब्रिज पे कर सकते पर क्या कहते हैं रूम पे बढ़िया ना अपना आराम से बैठ के, फिर देखते चलो. तो पेपर पेन चार्ट पेपर वगैरह जो भी है ये सब स्टैंड बाय है, चलो सीधा इसको स्टेंसिलिंग करते हैं,
स्लिम वगैरह करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तब तक आप थोड़ा बहुत टाइम लैप्स एंजॉय कर लो, काम करते हो कि हम काम भी करते हैं। थोड़ा नीचे जाके देखते हैं बोसन वगैरह क्या काम कर रहे हैं, उनका काम चेक करके आते हैं कि बंदे काम कर भी रहे हैं कि सोए पड़े हैं या बैठे हैं। यहाँ लगे हुए बंदे काम कर रहे हैं, लगे हुए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, भाई बंदे काम कर रहे हैं सारे के सारे, वो अपना चीफ इंजीनियर वगैरह सब कर रहे हैं, सब अपना बोसन लगा हुआ है, बोसन लोग काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ पहले, बाद इनका काम खत्म हो गया मेरा खत्म हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। सेकंड इंजीनियर लगा हुआ एयर वेंट को सही करने में, न्यूज को चेंज कर रहा है, यो मैन आज का मेन बता फाइनली अब जाके स्टेंसिल कंप्लीट हुआ मेरा, मतलब जो बोस्टन स्टोर का स्टेंसिल बना रहा था बस उसको फाइनल टचअप देना, बस कटिंग रह गई है, अभी दिखाता हूँ आपको, देख लो ये मेरा फाइनल बन चुका है वैसे तो ऑलमोस्ट, बस इसमें कटिंग करनी है और बस कटिंग हो जाए उसके बाद फिर दे दूंगा इनके बोसन के पास पकड़ा दूंगा और फिर वो बोल दूंगा, फिर वो कर देगा उसको जहाँ पे भी बनाना और लगाना होगा, वहीं बस पेंट मारना है फिर उसको कटिंग करने के बाद। चलो मैं भी इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। गाइस बंदों ने काम कर ही दिया, मतलब जितना उनको अभी बोला था लंच से पहले उतना उन्होंने कर दिया, लंच के बाद फिर देखते हैं मौसम सही रहता तो बाकी काम भी करवाएंगे थोड़ा बहुत, अभी तो काम बहुत पेंडिंग पड़ रहा है क्योंकि का काम तो कभी ख़त्म होएगा ही नहीं। उन्होंने मतलब ये कहा था ये वाला फ्लोर पूरा चमका दिया उन्होंने, ये पूरा का पूरा बस ये मैनुअल रह गए, बाकी तो ये तो हो गया, लेडर्स वगैरह सारा कंप्लीट कर दिया। गाइस गुड मॉर्निंग फिर से, मतलब मैं थोड़ा सो गया था काम करने के बाद क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर इसलिए अभी जा रहा हूँ नीचे देखता हूँ, खैर कहाँ बारिश हो गई सारे बंदे भी सो रहे होंगे, बाकी देखता हूँ आज क्या क्या काम हुआ, बाकी अगर उसके बाद कुछ किया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर डिनर पे देखते हैं कि आज कुछ एक घर पे तो कुछ बनाते हैं आज, थोड़ा देखते हैं क्या क्या बनता है। इस बंदे तो सब के सब सोए पड़े हैं क्योंकि तो बारिश बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तो काम तो बंद ही हो गया था, काम कुछ किया नहीं, तो फिलहाल अभी मैंने कुक को बोल रखा था कि हमारे लिए मतलब राजमा लगा के रखेगा, बोला था तो देखने डाली तो मैंने खुद ही थी, अब राजमा बनाते हैं आज, मतलब एंकर पे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे फिर खाना पीना बढ़िया सा, आज राजमा बनाते हैं बाकी कुछ देखते हैं, अगर मन किया तो रोटी बनाएंगे नहीं तो चावल के साथ खा लेंगे। अपनी राजमा उबल रही है मतलब सीटियां आ रही हैं, दो तीन सीटियां रह गई तो उसके बाद बनाते हैं, हमारा मेन बनना किसी एंगल से लगता नहीं कि बावर्ची है, इसको हम खाना बना के खिलाते हैं इस टाइप का, बस फोन में लगा रहता जब देखो ब्रो ओके ओके भैया हाँ वेरी गुड हाँ वेरी गुड अलहमदुल्ला। गाइस सीटियाँ बज रही है पीछे सुनाई दे रहा होगा आपको, यहाँ सीटी बज रही है मतलब ऑफिस रूम में बैठता हूँ तब तक जब तक बनता है, तो बस ऑफिस रूम में वेट करता हूँ फिर उसके बाद तैयारी करते हैं अपना जो भी प्याज व्याज काटते हैं बस, उसके बाद बनाते हैं मतलब घर का स्टाइल बनाएंगे आज आजमा का। तो गाइस अभी एक तो बारिश होगी, मेरे को थोड़ा बहुत काम था अपने मंकी आइलैंड पे, ये अपना छोटा सा मंकी आइलैंड मतलब बस छोटा सा सिर्फ इतना है, ये अपने जितने भी रडार्स वगैरह लगे हैं थोड़ा 0.5 करता हूँ, ये वो सामने देखो बारिश हल्की बारिश हल्की क्या थोड़ी तेज़ी हो रही है, वो एक वैसल वो वैसल जितने भी दिख रहे हैं उनका तो काम चल रहा है बट बाकी सारे के सारे एंकर पे क्योंकि सी इतना ख़राब है, कंपनी ने पहले बोल दिया कि कोई नहीं जाएगा, तो इसलिए अभी हम थोड़ा बहुत काम था यहाँ काम हो गया, अब नीचे जाता हूँ
देखता हूँ बावर्ची ने खाना बनाया। बावर्ची ने तो क्या मतलब दाल उसको बोला था रखेगा, तड़का वगैरह मारते फिर उसके बाद खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको नीचे जाके। दाल मेरी रेडी होगी बन के, बस अब देखते हैं अपनी राजमा तैयार। मेरी शेफ़ तो मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ, मतलब कुकिंग का मेरे को बहुत शौक है, तो इसलिए मैं खुद ही बनाता रहता हूँ। ठीक है, वैसे भी बावर्ची हमारा 5 स्टार वाला है, जिसको मतलब बस बैठे बैठे पीना है। तो वैसे अपना हो गया दाल दूल तैयार, अब बस उसके बाद देखते हैं अगर मन किया रोटी बनाएंगे, नहीं तो चावल साथ पेड़ देंगे, राजमा चावल के साथ मज़े रहते हैं अगर। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। नहीं, मेरा खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं सीधा सोना, फिर सुबह शायद सुबह फिर से सेलिंग स्टार्ट, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर आ गया कि भाई बहुत रेस्ट कर लिया तुमने, वापस चलो सी में। थोड़ा एक तो सी भी ख़राब है ना, थोड़ा बहुत ही ख़राब है, तो इसलिए जाएंगे धीरे धीरे मज़े मज़े से, फिर देखते हैं अभी। चलो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपनी जर्नी के बारे में, कि मेरे को बार बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाँ बंदे पूछ रहते हैं कि भाई आपने कहाँ से ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, अपनी जर्नी के वीडियो बनाओ। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद जो आप लोग देखोगे, तो उस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही है। देखो मैं झूठ तो कुछ बताऊंगा नहीं कि हाँ कि अब बंदे मिस गाइड मुझे किसी को करना नहीं है, मैं वो बताऊंगा जिस तरीके से मैं आया, ठीक है, और आप लोगों को क्या वैसे आना चाहिए वो सब बताऊंगा धीरे धीरे। अब बाकी आने वाली वीडियोस में फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाएंगे कि हाँ कैसे ज्वाइन करना, जीपी रेटिंग का क्या है, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट, जो भी होगा धीरे धीरे। अभी टाइम तो थोड़ा सा, अभी थोड़ा मतलब नया नया है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ, फिर टाइम लगता ही है ना, तो इसके बाद फिर प्रॉपर बताऊँगा आपको मेरी पूरी की पूरी जर्नी, मतलब कहाँ से कब मैं ज्वाइन किया, कैसे किया, किस कहाँ से सब कुछ। तो चलो फिर। You don't see the things I see.